मुश्किल से वोट पड़ता ही है 50%, मुश्किल से। माने हिंदुस्तान में 60 करोड़ वोटर हैं, उनमें से 30 करोड़ लोग ही वोट डालते हैं, तो 50% वोट पड़ता है। और उस 50% वोट में 40-50 पार्टियों की भागीदारी रहती है, तो किसी को 5%, किसी को 2%, किसी को 3%, किसी को 10%, बहुत अधिक मिला तो 20-24%, इसके ऊपर कभी नहीं गया। तो अब मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप कहते हैं कि 51% वाले की बात चलती है, और यहां तो मैं देख रहा हूं कि जिसको सिर्फ 24% वोट मिले, माने क्या है, 76% लोगों ने जिस पार्टी को रिजेक्ट किया वो सत्ता में जाने की अधिकारी कैसे? 24% वोट मिलने का माने क्या? 24% वोट मिलने का माने 76% लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। तो जब 76% बहुतांश लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप फिर सरकार चलाने के अधिकारी कैसे? आप ही तो तर्क देते हैं 51 और 49 का। और दुर्भाग्य से ये डेमोक्रेसी नहीं है जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, जो पार्टी के पास सिर्फ एक एमपी है पूरे देश में वो मंत्री है, और जिन पार्टियों के पास 190 एमपीज हैं वो विपक्ष में बैठे। माने सिंगल पार्टी है, उसके पास एक ही एमपी है और वो भी मंत्री है, लेकिन 190 एमपीज वाली पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई हैं, ये कौन सी डेमोक्रेसी? और ये डेमोक्रेसी है नहीं। डेमोक्रेसी के नाम पर आपके देश में एक भीड़ तंत्र चल रहा है जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं। और नियम कायदे कानून अगर हैं भी तो ऐसे हैं जिनको वो तोड़ मरोड़ कर हमेशा अपने हित में इस्तेमाल करते हैं। तो सच्ची डेमोक्रेसी लाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। एक तो आपको इस बात के लिए लड़ना पड़ेगा कि अंग्रेजों की बनाई गई ये अंग्रेजियत की व्यवस्था है, ये हिंदुस्तान से खत्म हो, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून खत्म हो, अंग्रेजों की बनाई हुई सारी व्यवस्थाएं खत्म हो। और दूसरा आपको लड़ना पड़ेगा कि सच्ची डेमोक्रेसी आपके देश में आए जिसमें हर व्यक्ति को राइट टू इलेक्ट अगर है तो राइट टू रिजेक्ट भी मिले, राइट टू सेलेक्ट अगर है तो राइट टू रिजेक्ट भी मिले। और ऐसी डेमोक्रेसी के बारे में कल्पना करनी पड़ेगी जो समाज को तोड़े नहीं। आज की डेमोक्रेसी समाज को तोड़ रही है। समाज कैसे टूटता है? आजकल वोट का मौसम है, और वोट के मौसम में क्या होता है, परिवारों के अंदर बहस चलती है। और बहस कैसे चलती है? पिताजी कहते हैं एक पार्टी को वोट दो, माताजी कहती है दूसरी पार्टी को वोट दो, एक भाई है वो कहता है तीसरी पार्टी को वोट दो, चौथा भाई कहता है नहीं नहीं इस पार्टी को वोट दो, और अगर बहन है तो वो कहती है कि नहीं नहीं इनमें से किसी को वोट मत दो। माने क्या होता है, एक घर में 5 सदस्य हैं और 5ों सदस्य जब अलग अलग पार्टियों में बंट जाते हैं तो घर का बंटवारा हो जाता है पार्टियों के आधार पर। और हमारे घर बंट रहे हैं पार्टियों के आधार पर, भाई भाई लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर, पिता और बेटे लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर, मां बेटे लड़ रहे हैं पार्टियों के आधार पर। और ऐसे देश में इस सिस्टम के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जिस सिस्टम में मां एक पार्टी में, बेटा दूसरी पार्टी में, बहन तीसरी पार्टी में, माने क्या है, परिवार तो खंड खंड टूट गया। और जिस पॉलिटिकल सिस्टम में परिवार टूटता है वो पॉलिटिकल सिस्टम समाज को तोड़ने वाला होता है, जोड़ने वाला नहीं होता। तो आपको सोचना पड़ेगा एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो परिवार को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े, क्योंकि भारतीय समाज परिवार पर टिका हुआ है, भारतीय समाज की इकाई है परिवार। अगर परिवार टूटेगा तो समाज टूटेगा, और पिछले 50 साल से यह समाज टूट रहा है। चूंकि परिवार टूट रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं तो समाज टूट रहा है, और टूटा हुआ समाज कभी भी पूर्ण जनादेश नहीं दिया करता, खंडित समाज हमेशा खंडित जनादेश ही देता है। इसलिए पार्टियों के सामने समस्या है, किसी को बहुमत नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन पार्टियों ने अपने स्वार्थों के लिए पूरे समाज को खंड खंड तोड़ा है, और जो लोग समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं समाज उनको भी तोड़ देता है। इसलिए ये पार्टियां भी टूट रही हैं, आज एक पार्टी में, कल दूसरे में, परसों तीसरे में। ये पार्टियों को अपने गिरेगांव में झांक कर देखना चाहिए कि इन्होंने 50 साल में समाज को कितना तोड़ा है, अपने जाति के लिए, धर्म के लिए, वोट के स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपस में लड़ाया और उनको वोट चाहिए। तो जो पार्टियां समाज को तोड़ने में लगी हुई हैं समाज उनको तोड़ रहा है। इसलिए ये संकट है जो आज आप देख रहे हैं सारे देश में, किसी को बहुमत नहीं है, आएगा भी नहीं किसी को बहुमत।
क्योंकि समाज को तोड़ने वाले लोग कभी समाज से पूर्ण बहुमत पा नहीं सकते। तो मैं आपसे एक ऐसी बात कहने आया हूं कि गंभीरता से विचार करिए कि 50 साल से यह जो राजनीतिक तंत्र चल रहा है, जो सड़ गया है, इस राजनीतिक तंत्र को बदलने की अब कोशिश करिए। क्यों? इसलिए कि जैसा राजनीतिक तंत्र होता है, कलयुग में एक किस्सा कहते हैं, कलयुग में क्या कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसा राजतंत्र होगा वैसी प्रजा बनेगी। तो यह जो कलयुग का दौर है, इसमें आपको राजतंत्र बदलना ही पड़ेगा। प्रजा के हिसाब से राजतंत्र बनाना पड़ेगा, समाज के हिसाब से राजतंत्र बनाना पड़ेगा। और इसको मैं कहूं तो भारतीय संदर्भों में राजतंत्र आपको गढ़ना पड़ेगा। यह जो राजतंत्र चल रहा है, यह अंग्रेजियत वाला, इसको बदलना पड़ेगा। और ऐसे ही एक तीसरी बात और कहता हूं मैं कि यह जो तंत्र बदलना है, इसमें आपको एक तंत्र और भी बदलना पड़ेगा। हमारे देश में दुर्भाग्य से इस समय जितनी अदालत चलती है, जो न्याय का तंत्र है, वो न्याय नहीं देता, हमेशा अन्याय देता। और ये जो न्याय तंत्र, आप जिसको उम्मीद लगाकर जाते हैं अदालतों में कि हमको न्याय मिलेगा, ये अदालतें बनाई गई हैं अन्याय करने के लिए। कैसे आप पूछेंगे, ये कैसे? अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उसका नाम था मैकॉले, टीबी मैकॉले। टीबी मैकॉले को हिंदुस्तान में भेजा गया था दो काम करने के लिए। पहला काम उसको भेजा गया था कि हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति को बर्बाद करो, और दूसरा काम मैकॉले को सौंपा गया था कि हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति के साथ साथ हिंदुस्तान की न्याय पद्धति को बर्बाद करो। तो मैकॉले आया था हिंदुस्तान की न्याय पद्धति और शिक्षण पद्धति को बर्बाद करने के लिए। हिंदुस्तानी शिक्षण पद्धति को बर्बाद करने के लिए मैकॉले ने क्या किया था, एक कानून बनाया था, उसका नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। और उस कानून को लागू करके उसने हिंदुस्तानी शिक्षण पद्धति का नाश कर दिया और एक अंग्रेजियत की शिक्षण पद्धति इस देश में पैदा की। उसी मैकॉले ने एक दूसरा कानून बनाया था, उसका नाम है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ये जो इंडियन पीनल कोड नाम का कानून है, ये मैकॉले का बनाया हुआ 1860 का। और ये मैकॉले ने क्यों बनाया था? मैकॉले अक्सर एक बात कहा करता था अपने साथियों से कि जिस देश की न्याय व्यवस्था खत्म हो जाती है, उस देश का समाज टूट जाता है। तो हिंदुस्तान की अगर न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी और उसमें अंग्रेजी न्याय व्यवस्था चलेगी, तो भारतीय समाज टूटेगा। तो वो कहता था कि ये आईपीसी का कानून जो है, ये भारत में न्याय देने के लिए नहीं है, ये अन्याय के लिए है। क्यों? क्योंकि भारत की न्याय की पद्धति तोड़नी थी अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को अपनी पद्धति इस देश में स्थापित करनी थी। उसके लिए उन्होंने आईपीसी बनाया, सीआरपीसी बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और उसी के लिए बनाया सीपीसी। आप जान लीजिए, भारतीय न्याय पद्धति में कभी भी हजारों साल से फांसी देने की सजा नहीं रही। ये अंग्रेज थे जिन्होंने फांसी देने की सजा शुरू की इस देश में। हमारे देश में किसी भी राजा के जमाने में फांसी नहीं दी जाती थी। तो आप पूछेंगे कैसे होता था? मृत्यु दंड अगर दिया जाता था तो या तो तलवार से सिर काटा जाता था या सरेआम उसको गोली से उड़ाया जाता था। फांसी नहीं दी जाती थी, कभी भी भारतीय समाज में फांसी नहीं दी गई। यह फांसी देने की व्यवस्था इंग्लैंड से आई है हमारे देश में, क्योंकि सीआरपीसी का कानून अंग्रेजों ने बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसी के साथ साथ सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड। और ये तीनों कानून जब लागू हो गए, तो मैकॉले ने एक दिन कहा था, ये बात अंग्रेजों के दस्तावेजों में दर्ज है, कि जब भारत में आईपीसी चलना शुरू हो जाएगा, सीआरपीसी चलना शुरू हो जाएगा, सीपीसी चलना शुरू हो जाएगा, तो भारतीय लोगों को न्याय कभी नहीं मिलेगा। और ये वो खुद कह रहा है कि यहां के लोगों को न्याय कभी नहीं मिलेगा, मुकदमे चलते रहेंगे लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। और जो बात उसने कही है 150 साल पहले, वो बात आज हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने, कि हम जाते हैं अदालतों में। अदालतों में जब आप जाते हैं तो क्या कहते हैं आपको? हम लोग भी जाते हैं अदालतों में, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन हम लोग लड़ते रहते हैं। तो अदालतों में हर बार हमसे एक ही बात कही जाती है कि अदालत में कानून के आधार पर फैसला होता है। कोई अदालत यह नहीं कहती कि यहां न्याय मिलता है। हर अदालत में एक ही बात कही जाती है कि कानून के आधार पर फैसला होता है। मान लीजिए जिस कानून के आधार पर फैसला हो रहा है वो कानून गलत है, तो फैसला भी गलत होगा, तो न्याय नहीं मिलेगा आपको। मैं उदाहरण दूं आपको, हमारे देश में एक कानून है, क्या है, किसी बच्चे को जन्म लेने से पहले अगर मारा जाए तो कानून के अनुसार वो है अबॉर्शन, और जन्म लेने के बाद उसको मारा जाए तो कानून के आधार पर वो है हत्या। अब आप देखिए कानून क्या है, बच्चे को जन्म लेने से पहले मार दें तो है अबॉर्शन,
और जन्म लेने के बाद मारे तो है हत्या, जन्म लेने के पहले जिसको मार रहे हैं वो भी बच्चा ही है, वो एक अलग बात है कि गर्भ के अंदर है। और सारी दुनिया जानती है कि गर्भ में एक महीने के बाद बच्चे में उतनी ही जीव और जान होती है जितनी जिंदा बच्चे में होती है। तो उस बच्चे को जब मारा जाता है तो अपनी जान बचाने के लिए वो ऐसे ही भागता है जैसे बाहर किसी को मारने के लिए आप भागते देखते हैं। तो दुर्भाग्य से कानून क्या है कि बच्चों को जन्म लेने के पहले मारने वाले लोग कहलाते हैं डॉक्टर्स, और जन्म लेने के बाद जो मारते हैं उनको कहते हैं हत्यारा। हत्यारे तो दोनों हैं, लेकिन कानून ऐसा है जिसके आधार पर जन्म लेने वाले बच्चे को पहले मार देने वाले लोग कहलाते हैं डॉक्टर और वो होते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, और जन्म लेने के बाद जो मारते हैं वो होते हैं हत्यारे। आप कभी बंबई जाइए, मैं अक्सर बंबई जाता हूं, तो बंबई की ट्रेन्स में एक स्टिकर चिपका रहता है। क्या है, बंबई में आप जाइए तो आप देखेंगे वहां सुपारी लेकर हत्या करते हैं। 10,000 की सुपारी ले ली, 15,000 की सुपारी ले ली, 20,000 की सुपारी ले ली। तो सुपारी लेने की बात इस बात पर तय की जाती है कि मरने वाले आदमी की हैसियत क्या है। तो मरने वाले आदमी की हैसियत के आधार पर 10-20-50,000 की सुपारी लेकर जो हत्या करने वाले लोग हैं वो कहलाते हैं हत्यारे, और 90 रुपए की सुपारी लेकर जो एबॉर्शन कराते हैं बंबई में वो कहलाते हैं डॉक्टर्स। आप जाइए बंबई की ट्रेन्स में एक स्टिकर लगा रहता कि आइए और छुटकारा पाइए सिर्फ 90 रुपए में। क्यों, कानून ऐसा बना हुआ। तो आप जरा बताइए कि इस कानून के आधार पर अगर अदालत कोई फैसला देगी तो न्याय कहां मिलेगा उसमें, क्योंकि न्याय तो यह कहता है कि जो बच्चा आना चाहता है जीवन में दुनिया में वो अकेला नहीं आ रहा है, वो दो लोगों की सहमति से आ रहा है, वो खुद नहीं आ रहा, उसमें दो लोगों की सहमति है। तो दो लोगों की सहमति से जो जीवन में आना चाहता है उसको मारने का अधिकार आपको किसने दिया। लेकिन क्या है, कानून ऐसा है, इसमें न्याय कहां है, यह तो सरासर अन्याय है। जिस देश में चींटी को मारना भी पाप माना जाता हो, जिस देश की माताएं चींटी को भी आटा डालने की काम करती हो, उस देश में बच्चों के एबॉर्शन कराना यह न्याय नहीं है, यह अन्याय है। यूरोप में चलता लेकिन हिंदुस्तान में नहीं चल सकता, यह तो अन्याय की व्यवस्था। ऐसे ही एक दूसरा कानून है हमारे देश में, 15 साल से ऊपर के गाय बैल हैं उनको काट देना चाहिए, यह कानून है। लेकिन अगर गाय बैल को आप मारेंगे पिटाई करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, क्योंकि हमारे देश में एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल, माने आप किसी भी जानवर के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते, नहीं तो केस चलेगा। लेकिन 15 साल का है तो उसको काट सकते, अत्याचार नहीं कर सकते, माने पीट नहीं सकते लेकिन उसकी हत्या कर सकते, कानून है। और यह कानून क्यों बना है, तो कहने वाले ये कहते हैं कि 15 साल से ऊपर के गाय बैल बूढ़े हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते, इसलिए उनको काट देना चाहिए। तो 60 साल के ऊपर के मां बाप भी बूढ़े हो जाते हैं, उनको भी खत्म कर देना चाहिए। अब आप बताइए कि 15 साल से ऊपर के गाय बैल को काट दिया जाए, ये कानून अगर है तो इसमें न्याय कहां है। आप ध्यान करिए, कानून एक अलग चीज है, न्याय एक दूसरी चीज है। हमारी अदालतें कानून के आधार पर काम करती हैं, न्याय नहीं देती। और जिन अदालतों में न्याय नहीं मिलता उनको हम न्यायालय क्यों कहते हैं, उनको हम कायदालय तो कह सकते हैं, कानूनालय तो कह सकते हैं, लेकिन उनको न्यायालय क्यों कहें हम, क्योंकि वहां न्याय मिलता ही नहीं, वहां तो अन्याय होता है कानून के आधार पर। और जिन अदालतों में एक स्त्री तराजू लिए हुए आंखों पर काली पट्टी बांधकर अगर खड़ी हुई हो तो वहां आप न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी इसलिए धृतराष्ट्र कभी न्याय नहीं कर पाए, कैसे संभव है वहां न्याय मिलेगा। इसलिए हिंदुस्तान में न्याय की व्यवस्था आपको लानी पड़ेगी, यह तो अन्याय की व्यवस्था है जो चल रही है। अंग्रेजों ने चलाई थी यह अदालत, तो अंग्रेजों के बाद खत्म कर देनी चाहिए थी हमको, अपनी अदालतें चलानी चाहिए थी, और सोचना चाहिए था कि अंग्रेजों से पहले 20,000 साल का 25,000 साल का यह देश है, तब कैसे फैसले होते थे।
उस जमाने में फैसले होते थे गांव पंचायत में, गांव समाज फैसले करता था, गांव की अदालतें होती थी, सारे फैसले वहीं हुआ करते थे। तो हजारों साल अगर इस देश में ग्राम पंचायतें फैसला कर सकती हैं तो आज क्यों नहीं कर सकती? आज भी हो सकता, बशर्ते कि इस व्यवस्था को उलटने की जरूरत है। और यह व्यवस्था इसलिए भी उलटनी पड़ेगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले तो यह अन्याय की व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस समाज में न्याय नहीं मिलता वहां अन्याय बहुत होता। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, आत्मा उनकी अंग्रेजों वाली है। वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि राजीव, अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में कभी न्याय की पद्धति नहीं आती। तो उनको मैं कहता हूं कि जब अंग्रेज नहीं थे तभी हिंदुस्तान में न्याय था, जब से अंग्रेज आए तब से अन्याय आया इस देश में। और इसका मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं कि हिंदुस्तान में कितना न्याय था अंग्रेजों के आने के पहले। वही पुरानी बात याद दिला रहा हूं, चंद्रगुप्त और चाणक्य के जमाने में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा न्याय मिलता था। न्याय मिलता था तो न्याय की कोई व्यवस्था होगी तभी न्याय मिलता था। उस जमाने में सीआरपीसी नहीं था, सीपीसी नहीं था, आईपीसी नहीं था, लेकिन न्याय मिलता था लोगों को। कैसे? एक बार चंद्रगुप्त के राज्य में दो महिलाओं में झगड़ा हो गया। किस बात का झगड़ा था? एक छोटा सा बच्चा था, दो माताएं थी। एक माता कहती थी ये मेरा बेटा है, दूसरी माता कहती थी ये मेरा बेटा। तो जब दोनों माताओं में झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों आपस में फैसला नहीं कर पाई कि बेटा किसका है, बच्चा किसका है, तो दोनों चंद्रगुप्त की अदालत में गई। चंद्रगुप्त ने क्या किया? अपनी पूरी अदालत बिठाई और उस जमाने की जो अदालत होती थी उसमें उन दोनों माताओं को पेश किया। चंद्रगुप्त खुद सिंहासन पर बैठा और उसने एक माता से कहा कि आप सिद्ध करो कि यह बच्चा आपका है। तो हिंदुस्तानी न्याय की जो पद्धति थी उसमें वकील नहीं होता था, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत इसलिए नहीं थी, आप मुझे बताइए सीधी सी बात कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है या मेरे ऊपर कोई अन्याय हुआ है तो आप अपनी बात को ज्यादा अच्छे से कहेंगे या आपका वकील ज्यादा अच्छे से कहेगा? यह जो अंग्रेजियत की न्याय व्यवस्था है इसमें क्या होता है कि पहले आप अपनी बात वकील को समझाइए, वकील फिर अदालत में समझाएगा, आप सीधे क्यों नहीं समझा सकते? तो हिंदुस्तानी न्याय पद्धति में वकील नहीं होता था। यह वकील की व्यवस्था तो अंग्रेजों की डाली हुई है और अंग्रेजों की इस व्यवस्था को गांधी जी कहते थे यह दलाली का काम है। इसलिए गांधी जी ने अपनी वकालत की डिग्री जला दी थी और बैरिस्ट्री की नौकरी छोड़ दी थी उन्होंने। वो मानते थे कि यह दलाली का काम है, इसमें न्याय नहीं मिलता कभी। तो चंद्रगुप्त की अदालत में जब दोनों बहनों के ऊपर मुकदमा चालू हुआ तो एक बहन से चंद्रगुप्त ने कहा कि आप सिद्ध करो कि यह बच्चा आपका है। तो एक बहन खड़ी हो गई, उसने सिद्ध किया कि बच्चा उसका। तब चंद्रगुप्त ने एक दूसरी बहन से कहा कि अब आप सिद्ध कर दो कि यह बच्चा आपका है। तो दूसरी बहन भी खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध किया कि बच्चा उसका। चंद्रगुप्त धर्म संकट में पड़ गया कि असलियत में मां कौन है पता कैसे लगाया। तो फिर उसने कहा कि जाओ तलवार ले आओ और इस बच्चे को आधा आधा काटो। तो जैसे ही बच्चे को काटने के लिए तलवार मंगाई गई वैसे ही चंद्रगुप्त ने देखा कि जो असली मां थी वो खड़ी हो गई और उसने कहा नहीं नहीं बच्चे को काटो मत, दूसरी महिला को दे दो, कम से कम यह जिंदा तो रहेगा। तो चंद्रगुप्त समझ गया कि असली मां यही है, क्योंकि अपनी आंखों के सामने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया कि नकली मां से बच्चा छीनकर असली मां को दे दिया और इस पूरे मुकदमे का फैसला 3 मिनट के अंदर हो गया। यह थी हिंदुस्तानी न्याय पद्धति जिसमें 3 मिनट के अंदर न्याय मिलता था। अब आप इसी मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। और मैं आपसे कह सकता हूं कि कम से कम 20 साल लग जाएंगे और तय नहीं हो पाएगा कि कौन असली मां है और कौन नकली मां है। और हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं लेकिन मुकदमा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो हिंदुस्तानी न्याय पद्धति थी जिसमें 3 मिनट में न्याय मिलता था, ये अंग्रेजियत की न्याय पद्धति है जिसमें वर्षों वर्षों मुकदमे चलते रहते हैं। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान की अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लटके हुए हैं। 4 करोड़, आप जरा कल्पना करिए तो अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माने 4 करोड़ परिवार हिंदुस्तान में न्याय की आस में बैठे हुए हैं, पता नहीं कब न्याय मिलेगा उनको। हिंदुस्तान में मुश्किल से 15-16 करोड़ परिवार हैं और उन 15-16 करोड़ परिवारों में 4 करोड़ परिवार अगर न्याय की आस में बैठे हुए हैं तो ये कौन सी न्याय पद्धति है? माने 1/4 परिवार न्याय की तलाश में है, पता नहीं कब न्याय मिलेगा।
इसलिए आपको ये बदलनी पड़ेगी पद्धति, और एक हिंदुस्तानी पद्धति आपको लानी ही पड़ेगी इस देश में। और हिंदुस्तानी पद्धति इसलिए लानी पड़ेगी कि हजारों साल वो पद्धति चलती रही और उसमें न्याय मिलता रहा। इतिहास में इस बात के प्रमाण हैं, हिंदुस्तान में एक से एक न्यायप्रिय राजा हुए हैं। तो जिस देश में न्यायप्रिय राजाओं की भरमार रही हो, उस देश में न्याय पद्धति जरूर रही होगी। उसको तलाशने की जरूरत है, उसको खोजने की जरूरत है। हो सकता है वो उसी स्वरूप में आज लागू नहीं हो पाए, तो थोड़ा हेरफेर करके, थोड़ा बदल के हम उसको लागू करा सकते हैं। इसलिए ये न्याय पद्धति भी बदलनी पड़ेगी, माने पूरी व्यवस्था आपको बदलनी है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजियत की व्यवस्था, तभी हमको सच्ची आजादी मिलेगी। अब तक हम क्या कर रहे हैं, व्यवस्था नहीं बदल रहे हैं, हम सत्ताएं बदल रहे हैं। एक पार्टी का राज आता है, दूसरे का आ जाता है, दूसरे का आता है फिर तीसरे का आता, तीसरे का आ जाता है फिर चौथे का आ जाता, फिर पांचवें का आ जाता, माने पार्टियों को हम बदल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था वही चल रही है। अब मैं आपसे यह कहने आया हूं कि पार्टियों को बदलने का काम बंद करिए, व्यवस्था बदलने का काम शुरू करिए। और इसको मैं एक मुहावरे के रूप में कहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, कार का ड्राइवर बदल रहे हैं। कार वही चल रही है जो अंग्रेजों के जमाने में चल रही है, इसलिए अब इस कार को बदलिए। तो आप इन तर्कों में मत फंसिए जो राजनीतिक पार्टियां आपको फंसाना चाहती हैं। पार्टियों के तर्क क्या है, स्थिरता। तो पूछिए प्रश्न कि इस स्थिरता ने दिया क्या हमको 50 साल, वही अंग्रेजों की व्यवस्था। स्थिरता का माने क्या, अंग्रेजों की चलाई गई 250 साल पुरानी व्यवस्था आज भी चलते रहे, यही स्थिरता। स्थिरता का माने यह नहीं होता। हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये पार्टियां 50 साल से हमको बेवकूफ बना रही हैं और बेवकूफ बना बना के आपसे वोट ले जा रही हैं। अब तो इसमें परिवर्तन की बातें सोचिए। और परिवर्तन कैसे होता, परिवर्तन करने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ता। जिन चीजों का आप परिवर्तन कराना चाहते हैं, उन चीजों पर समाज में बहस करना शुरू कर दीजिए। हमारे देश में पता है क्या कहते हैं, भारतीय संस्कृति और परंपरा में यह कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है, इसलिए उसको समझकर बोलिए। माने क्या है, शब्द में बहुत शक्ति। तो अगर शब्द में शक्ति है, और शब्द की शक्ति कितनी जबरदस्त होती है, इस देश में आपको दो ही उदाहरण मैं दूं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे गीता का। क्यों, क्योंकि गीता शुरू होने के पहले अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है, कायर है, कमजोर है, नपुंसक है, और कह रहा है कि इन कौरवों को क्यों मारूं और कैसे मारूं, ये तो मेरे अपने भाई बांधव हैं। कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि ये तुम्हारे भाई बांधव नहीं है, ये अधर्मी हैं, इन्होंने नाश किया है धर्म का, इसलिए इनको मारना तुम्हारा धर्म है। लेकिन अर्जुन हिम्मत नहीं कर रहा है, बाण नहीं चल रहा है उस पर। तो कृष्ण ने सुनाई है उसको गीता। गीता माने कुछ शब्द हैं जिनसे मिलकर बने हैं श्लोक। तो शब्दों का भंडार कृष्ण ने खोला है, और उन शब्दों को सुन सुनकर अर्जुन इतना शक्तिशाली हुआ है कि फिर उसने बाण चलाए। माने शब्द से आदमी बदल जाता है। दूसरा एक उदाहरण दूं कि हिंदुस्तान में आपने तमाम राजाओं के बारे में सुना होगा, जिनकी सेनाएं हार रही हैं, भाग रही हैं, राजाओं ने ललकारना शुरू कर दिया, भागती हुई सेनाएं रुक गई हैं और फिर जीता है युद्ध। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हिंदुस्तान में। तो शब्द हैं जिनको आप इस्तेमाल करना अगर सीख जाएं, तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। फ्रांस में क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी तीन शब्दों के आधार पर, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। ये जो इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी क्या है, ये दो शब्द हैं, इन्हीं दोनों शब्दों ने पूरे फ्रांस की व्यवस्था को बदल दिया था। दुनिया में किसी भी देश में आप जाइए, इतिहास उठाकर पढ़िए, हर उस देश की व्यवस्था बदल जाती है जिस देश में लोग शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो आप इस देश की व्यवस्थाओं को अगर बदलने के लिए तैयार हैं, पर आपको लगता है कि जो कुछ चल रहा है वो सत्यानाशी है, अत्याचारी है, हम इसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आप इसको कहना शुरू करिए। कहने में बहुत शक्ति होती है। और आप ये कहने की शक्ति का ही उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपके घर में आग लगी, और आग लगी है तो आप चिल्लाते हैं, घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, मोहल्ले में खड़े होकर चिल्लाते हैं, मेरे घर में आग लगी है, आग लगी, आग लगी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। और पूरा मोहल्ला जब इकट्ठा हो जाता है तो हर व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगा के उस आग को बुझाने की कोशिश करता। किसी के पास बाल्टी होती है, बाल्टी से पानी डालता,
किसी के पास लोटा होता है वो लोटे से पानी डालता है, किसी के पास कुछ नहीं होता तो पूरे गांव में घूम घूम कर चिल्लाता है कि आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है। आज हमारे देश में वही अंग्रेजियत की आग लगी है। हमको ये चिल्लाना शुरू करना पड़ेगा, कम से कम इसको चिल्लाना शुरू करिए और इसके चिल्लाने में बहुत शक्ति निकलेगी। आप कहना शुरू करिए कि ये अंग्रेजियत की व्यवस्था क्यों चल रही है 50 साल से। एक साधारण सा वाक्य बोलना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में। हर एक दूसरे से पूछिए कि 50 साल से अंग्रेजों की व्यवस्था क्यों चल रही है, 250 साल पुराने कानून क्यों चल रहे हैं, वही कानून क्यों चल रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे। ये बातें जब घूमने लगेंगी पूरे भारतीय परिवेश में तो इन बातों में से शक्ति पैदा होगी और वही शक्ति व्यवस्था परिवर्तन के काम में आएगी। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन तब होता है जब आदमी अपना परिवर्तन पहले करे। शब्द में शक्ति तब पैदा होती है कि जिस शब्द को आप बोल रहे हैं उसका आचरण आपके जीवन में है कि नहीं है। अगर आप अपने जीवन में आचरण नहीं करते और वो शब्द बोलेंगे तो आप हो जाएंगे हिप्पोक्रेट, जैसे आज के नेता हैं। वो जो कुछ बोलते हैं वही अपने जीवन में कभी धारण नहीं करते, तो चूंकि वो जीवन में धारण नहीं करते इसलिए उसमें कोई शक्ति नहीं है। तो आप अगर शब्दों को बोलना शुरू कर रहे हैं तो पहले अपने जीवन में धारण करिए। तो जब आप लोगों से कहेंगे कि अंग्रेजियत हमको नहीं चाहिए तो आप अपने जीवन से पहले अंग्रेजियत को बाहर निकालिए। तो आप पूछेंगे कैसे निकालें। अंग्रेजियत को बाहर निकालने के बहुत आसान से 2-3 सूत्र हैं जो मैं आपको बताने आया हूं। हुआ क्या है, हम दिमाग से भी अंग्रेजियत वाले हैं, अब आचरण में भी अंग्रेजियत आ गई है। दिमाग से अंग्रेजियत वाले हैं, पिछले 50 साल से, 100 साल से, 150 साल से, 200 साल से वो व्यवस्था चल रही है। आचरण में अंग्रेजियत कहां से आ गई है, हमारे घर घर में विदेशी कंपनियों का माल घुसा हुआ है, घर घर में विदेशी सामान खरीदा जाता, हर घर में विदेशी सामान को बड़े सम्मान की नजर से देखा जाता। लोग कहते हैं इंपोर्टेड माल माने बहुत ऊंची चीज कोई, स्वदेशी माल माने घटिया, विदेशी माल माने अच्छा। ये विदेशी माल अच्छा है, स्वदेशी माल घटिया है, अंग्रेजों के जमाने में चलता था ये सूत्र, वही आज भी चल रहा। तो घर घर में अंग्रेजियत घुस रही है उन सामानों के आधार पर जो आप खरीद रहे हैं विदेशी कंपनियों से। कितने सामान हम खरीदते हैं विदेशी कंपनियों से सवेरे से लेकर शाम तक, आपको उसका अंदाजा नहीं। आप सवेरे ही सवेरे उठते हैं, चाय और कॉफी पीते हैं विदेशी कंपनियों की। एक चाय बिकती है हमारे देश में ब्रुक बॉन्ड, इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय बिकती है लिप्टन टाइगर, यह भी इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय बिकती है उसका नाम है ताजमहल, यह भी इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय बिकती है उसका नाम है टी सिटी, एक है आईटीसी, एक है गॉडफ्रे फिलिप्स, ये अमेरिका की कंपनी। तो इतनी सारी विदेशी कंपनियों की चाय और कॉफी आप पीते हैं, सवेरे ही सवेरे गुलामी शुरू हो जाती है। और यह चाय कॉफी क्यों पीते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि राजीव भाई उसी में तो स्मार्टनेस है। माने आज ये माना जाता है कि जो चाय कॉफी नहीं पिएगा वो बेवकूफ है, जो चाय कॉफी पिए वो बहुत स्मार्ट है। और अक्सर लोगों से मैं पूछता हूं कि क्यों पीते हैं चाय कॉफी, तो कहते हैं उसमें क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है ये किसी को नहीं मालूम। चाय और कॉफी में क्वालिटी नहीं है, जहर है। क्या जहर है जानते हैं, चाय में एक जहर होता है उसका नाम है टैनिन, और कॉफी में एक जहर होता है उसका नाम है कैफीन। ये टैनिन और कैफीन दोनों जहर हैं जो कैंसर कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सवेरे ही सवेरे जहर पीते हैं और कहते हैं क्वालिटी पी रहे हैं। और क्या करते हैं, खुद तो पी रहे हैं मरेंगे, मेहमान को भी मार रहे हैं पिला पिला के चाय। क्योंकि जब भी मैं किसी के घर में जाता हूं सबसे पहले पूछते हैं राजीव भाई चाय पिएंगे, मैं कहता हूं नहीं पिएंगे। कॉफी पिएंगे, मैं कहता हूं नहीं पिएंगे। तो क्या पिएंगे फिर, कोई नहीं पूछता राजीव भाई गाय का दूध पिएंगे या दही की ताक पिएंगे या लस्सी पिएंगे या नारियल का पानी पिएंगे। एक बार बंबई में मैं गया, मेरे एक परिचित हैं करोड़पति व्यक्ति, तो मैंने उनसे घर में जैसे ही घुसा तो उनकी पत्नी ने पूछा चाय कॉफी पिएंगे, मैंने कहा नहीं पीऊंगा। तो कहने लगी क्या पिएंगे, मैंने कहा नारियल का पानी पिलवा दीजिए। कहने लगा वो नहीं है हमारे पास। मैंने कहा क्यों नहीं है, कहा राजीव भाई नारियल का पानी ऑफर करने में शर्म आती है, माने चाय कॉफी जैसा जहर पिलाने में शर्म नहीं आती, नारियल का पानी पिलाने में शर्म आती। मैंने उनसे पूछा आपको मालूम है चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए, उनका मुझे नहीं मालूम। सच्चाई यह है कि हम में से किसी को नहीं मालूम कि चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए। चाय कॉफी पीनी चाहिए उन लोगों को जो बहुत ठंडी में रहते हैं,
माने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तमाम उन देशों में भयंकर ठंडी पड़ती है। साल में 9 महीने भयंकर ठंडी पड़ती है, 6 महीने तो बर्फ जमी रहती है। उन लोगों को चाय कॉफी की जरूरत होती है क्योंकि ठंडी ज्यादा पड़ती है।